Hi everyone and hello students. I hope you are well and safe. So students, आजकल हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन आर डाइजेस्टिव सिस्टम. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं, मगर आज का हमारा टॉपिक है एंटी स्पाजमोडिक एजेंट. कि एंटी स्पाजमोडिक एजेंट क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है. सो लेट गेट स्टार्टेड. व्हाट इज एंटी स्पाजमोडिक एजेंट? एंटी स्पाजमोडिक जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग आर यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स सच एज अ पेन एंड स्पाज इन अ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. वो ड्रग्स जो कि हमारे जो हमारा पेन है या स्पाज्म है, अगर हमारी बोवल में किसी तरीके का इरिटेशन हो गया है या फिर इरिटेशन बोवल सिंड्रोम की सिचुएशन है, कॉज हो गई है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी स्पाजमोजिक ड्रग या फिर एंटी स्पाजमोडिक एजेंट. अब क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हम एंटी स्पाजमोडिक एजेंट्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं. तो फर्स्ट में हमारा एंटी मस्कुरैनिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक इन्हें हम बोलते हैं, जिसमें हमारी ड्रग्स हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन, डाइक्लोमिन एंड प्रोपेंथिलीन ड्रग्स हमारी आती है. और दूसरी हमारी आ जाती है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, जिसमें हमारी ड्रग्स आती हैं ड्रोट्रावेरिन, एल्वेरिन, मेवेवेरिन एंड पेपरमेंट ऑयल. ये हमारे यूज होते हैं एज अ एंटी स्पाजमोडिक. अब हम देखते हैं हमारे जो एंटी स्पाजमोडिक आर गिवन टू द एब्डोमिनल पेन एंड आईबीएस सिम्टम्स. जो हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक एजेंट ड्रग यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्पाज्म की कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, वो किस लिए दिए जाती है, जब हमारे एब्डोमिनल में पेन होता है, कोई स्पाज्म हो गया हो, या फिर आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की कंडीशन अगर है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपने एंटी स्पाजमोडिक ड्रग का यूज़ करते हैं. दीज आर आर टू मेन क्लासेस, एंटी स्पाजमोडिक एंड एंटी मस्कुरैनिक ड्रग. ये हमारे बेसिकली दो क्लास में डिवाइडेड होते हैं. एक हमारे एंटी स्पाजमोडिक एजेंट हो गए, दूसरा हमारे एंटी मस्कुरैनिक ड्रग्स हो गई. जो वो ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे स्मूथ मसल्स पे अपना इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करती हैं या देती हैं. अब एंटी मस्कुरैनिक ड्रग्स क्या होती हैं, द ड्रग ब्लॉक द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स एंडिंग एंड कॉज द स्मूथ मसल्स टू रिलैक्स. अब जो हमारी एंटी मस्कुरैनिक एजेंट होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे कोलिनर्जिक का ट्रांसमिशन जो हो रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक एंडिंग नर्व में, उसे ब्लॉक कर देंगी. अब जब ब्लॉक कर देती हैं तो क्या है, जो स्मूथ मसल्स में हमारा रिलैक्सेशन कॉज हो जाता है या हमारे स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स होने लगती हैं और हमें जो स्पाज्म हो रहा था हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में या बोवल सिंड्रोम की कंडीशन जो हम देख रहे थे, उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा. उसमें हमारे ट्रीटमेंट में ये काम करेगी. द सिंथेटिक एंटी मस्कुरैनिक डाइसाइक्लोअमाइन एंड प्रोपेंथिलीन आर अ प्रोबेबली टू द मोस्ट यूजफुल ऑफ द आईबीएस. अब जो हमारे सिंथेटिक एंटी मस्कुरैनिक एजेंट्स होते हैं या फिर डाइसाइक्लोमाइंस या फिर प्रोपेंथिलीन ड्रग्स होती है, वो हमारी सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए. बट द थेरेप्यूटिक एफिकेसी इज ऑफन लिमिटेड द अदर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट. जो इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी होती है वो लिमिटेड होती है जो हमारी बाकी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देती हैं ड्रग्स उसके अकॉर्डिंगली. द ड्रग आर काउंटर इंडिकेटेड इन अ पेशेंट. और जो हमारी एंटी मस्कुरैनिक टाइप की ड्रग्स होती हैं वो कुछ पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब कि अगर पेशेंट हमारा ऑलरेडी ग्लूकोमा से इन्फेक्टेड है, प्रोटोसिज्म से इन्फेक्टेड है, इट शुड बी अवॉइड द पेशेंट द गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स की अगर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमारी एंटी मस्कुरैनिक टाइप की जो ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं और उन्हें हम नहीं देते हैं. द डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेवेवेरिन इज़ अ रिजर्पिन डेरिवेटिव दैट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ कोलोनिक मसल्स एक्टिविटी. जो हमारी मेवेवेरिन ड्रग होती है वो हमारा एक रिजर्पिन का डेरिवेटिव होती है और ये हमारी क्या करती है, डायरेक्ट इफेक्ट देती है हमारी कोलोनिक मसल्स की एक्टिविटी में. स्पेशली इट इज़ अ अपीयर इन टू द कोलोनिक हाइपोमोटैलिटी. अब ये हमारी स्पेशली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, जो हमारी कोलोनिक हाइपर मोटैलिटी की होती है वहाँ पर पे. एट इट डज नॉट पॉसेस द एंटी मस्कुरैनिक एक्टिविटी. अब ये अपनी एंटी मस्कुरैनिक एक्टिविटी पे कुछ
अपना पोशिश जो है वो पॉज कर देती है एंटी मस्कुलिनिक एक्टिविटी को. इट डज नॉट एग्जिबिट द थ्रोम्बो द ट्रोम्बोलिज्म इफेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ अ ड्रग एंड जो हमारे एल्वरीन एंड पेपरमेंट ऑयल्स एज आ डायरेक्टली स्मूथ मसल्स रिलैक्सिंग एक्टिविटी. अब जो हमारे एंटी मस्कुलिनिक एजेंट है वो क्या करती है कि जो हमारा ग्रुप ऑफ ट्रोम्बोलिज्म इफेक्ट होता है ग्रुप ऑफ अ ड्रग का उस पर इफेक्ट देती है, और जो हमारी एल्वरीन होती है एल्वरीन एंड पेपरमेंट ऑयल जो है वो हमारा क्या है डायरेक्ट स्मूथ मसल्स की रिलैक्सिंग एक्टिविटी पे अपना इफेक्ट देते हैं. मतलब ये हमारे एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी जो है वो यूज़ में आते हैं. अब एंटी स्पाजमोडिक और अ कॉमनली यूज जो हमारी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कॉमनली यूज़ हमारा कहाँ कहाँ होता है. टू हेल्प एंड रिलीव द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द IBS. मतलब ये हमारे किस लिए यूज़ की जाती है, जब हमारे इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम की कंडीशन हो हमारी बॉडी में सच एज अ स्पाज्म. अगर हमें किसी तरीके का स्पाज्म हो गया हो, ब्लॉटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, हमारी बॉडी में ब्लॉटिंग हो रही हो, एब्डोमिनल पेन हमारा ज़्यादा बढ़ गया हो, उस कंडीशन में हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग्स का जो है वो यूज़ करते हैं. एंड क्या इसके साथ साथ करती, टू रिड्यूस द मूवमेंट यानी मोटेलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन. और ये क्या करती, अगर हमारी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस मूवमेंट को जो हमारा इंटेस्टाइनल मूवमेंट है या इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को रिड्यूस करने के लिए डिक्रीज करने के लिए भी हम अपनी एंटी स्पाजमोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं. एंड द मूवमेंट प्रॉब्लम इन अ पार्किंसन डिजीज एंड डायरिया. जो मूवमेंट है वो प्रॉब्लम कब करता है, जब पार्किंसन की डिजीज़ हो, डायरिया की कंडीशन हो, या फिर मोशन सिकनेस इसके साथ साथ अगर है डायरिया में भी. अब अपना ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें मोशन सिकनेस की कंडीशन है तो भी हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं. नौजिया या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन हो, या फिर कोई मसल्स स्पाज्म हो रहा है तो भी हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या अस्थमा में भी हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जो भी हम अपनी एज अ मतलब स्पाज्म को ट्रीट करने के लिए जो हमारे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की कंडीशन है, ऐसा जो हम अपनी एज अ एंटी स्पाजमोडिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है हमारी बॉडी में जाकर कि वो अपना इफेक्ट जो है वो कैसे शो करती है. तो मूवमेंट ऑफ अ फ्लूड अलोंग विद द गट्स अकर because of the regular relaxation contraction of the muscles of the gut, and in a condition such as a IBS these are a muscle contraction and occur too often to be painful causing the symptoms such as a pain and bloating. क्या होता है जब हमारी body में इनवॉल्वल syndrome की conditions है, जो हमारी muscles contract कर रही हैं, उनमें खिंचाव बढ़ रहा है जिसके कारण हमारी body में pain की condition arise हो रही है, pain जैसे symptoms हमें देखने को मिल रहा है, और हमारी body में ब्लॉटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अपनी एंटी स्पाजमोडिक की ड्रग को देते हैं और ये हमारी जो हमारी कंडीशन है IBD की उसके मसल्स को रिलैक्स कर देती है. जिसके कारण हमें मसल स्पाज्म हो रहा था ना, तो वो हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी और हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा. एंटी मस्कुलिनिक वर्क्ड बाय अटैचिंग द मस्कुलिनिक रिसेप्टर. अब जब हम अपनी एंटी मस्कुलिनिक टाइप की कैटेगरी की जो ड्रग देते हैं तो ये हमारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ जा करके अटैच हो जाएगी एंड स्टॉप द केमिकल एक्ट, और वहाँ पर जो भी इफेक्ट है उसे स्टॉप करेगी, रोकेगी जाके, ताकि वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, एंड मेक द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और हमें रिलैक्सेशन की कंडीशन मिल जाएगी. मतलब वहाँ की मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी और हमें रिलीफ मिल जाएगा स्पाज्म से. रिड्यूसिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन अ वे ऑफ ऑफन टू हेल्प द रिलीफ सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द IBS. मतलब ये हमारे जो भी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जिसके कारण हमें स्पाज्म जैसी कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो ये हमारी जाकर के उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देंगी, रिड्यूस कर देंगी या इनहिबिट कर देंगी, तो हमारा किस में रिलीफ मिल जाएगा, जो भी हमारी IBS इन बॉवल सिंड्रोम की कंडीशन, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की जो कंडीशन थी उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, और जो सिम्टम्स हमारे अराइज हो रहे थे उन वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे और वो हमारे सही हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डाइसाइक्लोअमाइन.
अब ये ड्रग क्या करती है, हैज़ अ डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. अब ये हमारी डायरेक्टली इस एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट वर्क करती है, जो अपना एक्शन है वो वीक एंटी कोलिनर्जिक भी प्रोड्यूस करती है, एक्ट जो करती है वो एज अ वीक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. एक्सर्ट द एंटी स्पाजमोडिक इफेक्ट, इसके साथ साथ ये एंटी स्पाजमोडिक इफेक्ट देगी एंड ऑल्सो हैज़ अ एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी. और जो हमारा डाइसाइक्लोमीन है उसके अंदर जो है हमारा एंटी स्पाजमोडिक एंटी कोलिनर्जिक के साथ साथ एंटी एमेटिक की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, या वो अपना इफेक्ट एज अ एंटी एमेटिक भी शो करती है. और इंडिकेशन क्या क्या होते हैं इसके, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, डायरिया एंड इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में इसमें हम अपने डाइसाइक्लोमीन का जो है वो यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एंटी स्पाजमोडिक एजेंट्स. आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल. सो थैंक यू क्लास.